हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, अगर आप एमपी बोर्ड क्लास 9 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यहाँ पर गाइस बोर्ड के द्वारा दो आदेश अभी रिसेंटली जारी किया गया, जिसमें पहले आदेश में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की जो आंतरिक परीक्षाएँ होती हैं या जो प्रायोगिक परीक्षा होती है, इसमें ORM CDO के स्कूल द्वारा भरा जाता है, इससे संबंधित है। और जो दूसरा आदेश है, इसमें हमें क्लास 9th और 11th के रिजल्ट से संबंधित अपडेट देखने के लिए मिलने वाली है। इस वीडियो को गाइस आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो पहला आदेश है, इसे हमने ओपन करके रखा है। इसका जो विषय है, इसमें हम देख सकते हैं गाइस, हाई स्कूल परीक्षा 2021 की आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं की OMR शीट भरने संबंधित। गाइस जो OMR शीट होती है, जो स्कूल के द्वारा भरी जाती है, जिसमें प्रायोगिक और जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, इसके नंबर बोर्ड को स्कूल से भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम देख सकते हैं, विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी व्यावसायिक डिप्लोमा एंड प्री एजुकेशनल शारीरिक शिक्षा पत्र ऑफ द परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण तथा प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन होने के कारण मंडल की प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की गई हैं। दूसरा पॉइंट है गाइस, यहां पर स्थगित आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षाओं की OMR शीट में अंक भरने की प्रक्रिया एवं हायर सेकेंडरी प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियाँ पृथक से घोषित की जाएंगी। अतः आगामी आदेश तक हाई स्कूल परीक्षा की आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षाएं OMR शीट कदापि ना भरी जाएं, जो कि गाइस स्कूल के लिए आदेश है, बट स्टूडेंट्स लोगों को जानना भी ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो इसकी जो तिथियां हैं OMR शीट भरने की, जो प्रत्यक्ष से अब घोषित की जाएंगी, फिलहाल यहाँ पर जो डेट है इसे आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये था गाइस पहला आदेश। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा आदेश। तो यहाँ पर गाइस हमने दूसरा आदेश ओपन कर रखा है, जिसका दिनांक 10 मई 2021। विषय है शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं 11वीं का परीक्षा परिणाम विषयक। संदर्भ इस कार्यालय पत्र क्रमांक, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो भी आप इसे देख लेंगे इस, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, उक्त संदर्भित पत्र हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के परीक्षा परिणाम दिनांक 15/5/2021 तक घोषित करने के निर्देश दिए गए थे। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि में 30/5/2021 तक की वृद्धि की जाती है। परीक्षा संबंधी जानकारी को विमर्श पोर्टल पर 30/5/2021 तक दर्ज करें। तो यहाँ पर गाइस जो आपका रिजल्ट है, जो कि 15/5/2021 तक आना था, बट इसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, और जो आपका रिजल्ट है वो 30/5/2021 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा गाइस जो स्कूल के द्वारा रिजल्ट अपलोड किया जाता है, वो भी 30/5/2021 तक के लिए यहाँ पर छूट दे दी गई, तो स्कूल यहाँ तक अपना रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो अपडेट थी, हमने आपके लिए इसे प्रेजेंट किया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन आदेश को आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इसे देख लें। आपको अगर गाइस वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए नमस्कार।